गडरवारा में सूदखोरों के मकड़ जाल के कारण एक और युवक ने आत्महत्या कर ली। सेन जागृति मंच ने ज्ञापन सौंपा है। अजय सेन चेलू के द्वारा आत्महत्या की जांच करने बाबत ज्ञापन दिया गया है। गडरवारा में सेन जागृति मंच के द्वारा सेन समाज में निष्पक्ष जांच को लेकर डीएसपी और थाना प्रभारी गडरवारा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके द्वारा गडरवारा विगत दिवस अजय सराठे चेलू के द्वारा अपने ही घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। उक्त मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की। सैन समाज के युवा नेता अभिषेक सराठे ने कहा, गडरवारा नगर में सूदखोरों के कारण युवा चपेट में आ रहे हैं। अनेक समाज के युवा भी इन सूदखोरों के चक्कर में आ रहे हैं। सूदखोर अपना व्यापार चलाने के लिए युवाओं पर दबाव बनाते हैं। युवा मानसिक दबाव में रहते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर गडरवारा डीएसपी थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गडरवारा में इसके पूर्व भी सूदखोरों की चपेट के कारण अनेक युवाओं ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवा इस गोरख धंधे में फंस रहे हैं, चाहे वह किसी भी समाज से हों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए साहूकारी के नियमों में बदलाव करते हुए इस असामाजिक कुरीति जिसमें युवा फंसता जा रहा है कानून प्रावधान लाए। आज श्री सेन जागृति मंच गाड़ावारा के द्वारा एक आवेदन पत्र ज्ञापन के रूप में दिया गया है, जिसमें उनने 2/8/22 को श्री अजय सराठे के द्वारा जो सुसाइडल केस के बारे में जांच के संबंध में मांग की है, उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसको हमने ले लिया है और उनकी जो भी उनको बता भी दिया गया है। आपको इस संबंध में जो भी उपयुक्त जानकारी आप प्रदान कर दें इस संबंध में, और चूंकि अब कल ही की ये घटना है, अभी तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली, तो अभी से इस संबंध में, लेकिन उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन को हम जांच में शामिल करके उसमें उल्लिखित तथ्यों की भी जांच करेंगे। सर, सुना है कि सूदखोरों के द्वारा आपने सुना है, तो उस संबंध में मैं कुछ नहीं बोल सकता ना। मैं तो ज्ञापन के संबंध में बोल रहा हूँ जो वो दे गए हैं। आज हम सैन जागृति संघ गडरवारा के सभी सदस्य पुलिस थाने में SDO साहब और TI साहब के समक्ष उपस्थित हुए, और हमारा समाज का एक बहुत युवा साथी हमारा यहाँ उसने आत्महत्या कर ली है, और वो किसी दबाव बस किया है, क्योंकि उसकी जो दबंग लोगों ने उसको उधार देकर उसको उसके लिए प्रेरित किया। तो हम थाने पर सभी अधिकारियों से हम यह मांग करते हैं कि संबंधित की जांच करके और जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे भविष्य में इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो और समाज के अन्य लोग इससे बच सकें। हमारे युवा समाज के एक युवा होना लड़का अजय सराठे, जिसे हम चेलू के नाम जानते हैं, अच्छा व्यवसायी था, सैलून दुकान थी उसकी, बहुत ही बजंदार, और सूदखोरी के मामले में जो लोग यहाँ पर अपना जाल बिछाए हुए हैं, जिनकी चपेट में युवा वर्ग आ रहा है, ना कि समाज की बात नहीं अपितु पूरे समाज की बात है, ये किसी एक समाज की बात नहीं है, हर समाज से हर एक युवा इन सूदखोरों के चक्कर में आ रहा है, और ये सूदखोर अपना व्यापार चलाने के लिए उन बच्चों पर दबाव बनाती हैं, जिससे वो मानसिक टेंशन में रहते हैं। इसी मानसिक टेंशन को हम पुलिस प्रशासन के माध्यम से सम्माननीय SDOP महोदय जी से, सम्माननीय नगर निरीक्षक महोदय जी से हम लोग अपील करते हैं कि हमारे सैन समाज के लड़के ने आत्महत्या तो की है, लेकिन दूसरे समाज के लड़के भी इन सूदखोरों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मैं सभी पुलिस प्रशासन से और आपके मीडिया जगत के बंधुओं से मैं अनुरोध करता हूं कि इन सूदखोरों को आप जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करें, ताकि आज हमारे समाज से लड़का हमने खो दिया है, अन्य समाज के अन्य लड़कों को, युवाओं को हम न खो सकें, ये शहर के बीच ये वातावरण बना रहे। और मैं पुनः आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये अपनी बात रखता हूँ कि मेरी बात और हम समाज की बात, युवाओं की बात प्रशासन सुने और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाए। गडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।